अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इंदौर आएंगे। वे यहां 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें इस आयोजन के लिए इन्वाइट किया। सीएम ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समिट में शामिल होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा, आज प्रधानमंत्री से सार्थक चर्चाएं हुई, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। समिट में गुआना और सूरीनाम के राष्ट्रपति भी आएंगे। साथ ही दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के भी आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश में 8 बैठक होंगी। खेलो इंडिया गेम्स भी मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। रविवार को भोपाल में इसका लोगो लॉन्च होगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान देश के अन्य शहरों के साथ इंदौर में 13, 14, 15 फरवरी को G20 के कृषि कार्य समूह की बैठकें होंगी। 23, 24, 25 फरवरी 2023 को खजुराहो में G20 के संस्कृत कार्य समूह की बैठकें होंगी। खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। भारत में दिसंबर से शुरू हो रही G20 की बैठकों और नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को होने वाले 18वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों प्रतिनिधियों के अलावा मेहमान देश बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रतिनिधि आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वो उद्घाटन करें, क्योंकि इंदौर से वो आएंगे तो फिर वहीं दोबारा इतने जल्दी जाना संभव नहीं होता, तो मैंने आग्रह किया कि वर्चुअल उद्घाटन करने की कृपा करें।